हाँ जी गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हो आप सब लोग हाँ जी गुड इवनिंग जी सबको जैम सी की प्रेस द लॉर्ड जी आज हम चैप्टर करेंगे इलेक्शन कमीशन ठीक है आज हम चैप्टर करेंगे इलेक्शन कमीशन हा जी वॉइस आ रही है एम आई ऑडिबल ओके आज हम टॉपिक करेंगे इलेक्शन कमीशन पार्ट फिफ्टीन में है ये पार्ट फिफ्टीन हाँ जी <coughs> देखो इलेक्शन कमीशन हमारे देश में आपको पता ही है वी आर हैविंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है इलेक्शन कमीशन देखो फ्री एंड फेयर का मीनिंग क्या है कि बिल्कुल जिसमें कोई दाँधली ना हो जिसमें कोई करप्शन ना हो ठीक है बिल्कुल सही इलेक्शन कराने के लिए हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसके पास बहुत ज़्यादा पार्स हैं ठीक है और ये इलेक्शन के टाइम गवर्नमेंट तो केयर टेकर होती है जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन है तो पीएम तो केयर टेकर होता है किसी स्टेट के इलेक्शन कराने या सीएम तो केयर टेकर को होता है सारी शक्तियाँ इलेक्शन के टाइम में जो पूरी देश की सारी शक्तियाँ वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती हैं और ये एक, एक कंसीशन बॉडी है संविधान के आर्टिकल व... uh, सॉरी पार्ट फिफ्टीन में <tom> पार्ट फिफ्टीन में इसकी प्रोविज़न दी गई है इलेक्शन कमीशन हाँ जी तो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट पावर ऑफ सुपरटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिसलेचर ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन किस, किस के इलेक्शन कराता है मैंने आपको सबको बताया पार्लियामेंट के ये इलेक्शन कराता है पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएगा जिसके इलेक्शन कराता है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट आ जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा और स्टेट की जो एलए होती है लेजिसलेटिव असेंबली ठीक है तो उसके इलेक्शन ये करवाता है एमएलए के इलेक्शन भी ये करवाता है ठीक है हाँ जी क्लियर है स्टेट गवर्नमेंट को भी बनाना होता है इन्हें ठीक है तो किसके नहीं कराता बस एक ही याद रख लो ये पंचायत के इलेक्शन नहीं कराता पंचायत के इलेक्शन नहीं ये कराता लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराता ये ठीक है आप इतना याद रख लो सब कराता है लेकिन पंचायत के इलेक्शन नहीं कराता ठीक है <laughs> हाँ जी तो ये बात क्लियर है ठीक है आ, मैं आपको बोल रहा था कि इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कौन है हाँ जी फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बिल्कुल सही आंसर आ रहा है श्रुति और सुमनप्रीत सोफिया और शशांक बहुत सारे लोगों के नाम है रोहित कुमार गिल प्रीत सबके आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से आपको दस दस लड्डू लड्डू, ठीक है। और यूएसए फर्स्ट है दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी यूएसए में आई और वी आर हैविंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड बहुत ज्यादा वोटर है हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण ठीक है तो इलेक्शन कमीशन वर्गी बॉडी हमारे देश में होनी चाहिए ठीक है हाँ जी कोई बात नहीं है जॉनी जी ये चलेगा गुड मॉर्निंग भी चलेगी क्योंकि जो लोग हमेशा फिट फाट रहते हैं मतलब बहुत बड़े अच्छे मूड में रहते हैं उनकी हमेशा गुड मॉर्निंग ही होती है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है डोंट वरी आप पॉलिटी में दिल लगाइए ठीक है पॉलिटी को दिल से प्यार करें आप सब लोग ठीक है पॉलिटी को इतना प्यार करें इतना प्यार करें पॉलिटी को ठीक है कि पॉलिटी आपके दाएं बाएं ठीक है आपके सामने आपके ऊपर दाएं बाएं पीछे नीचे ठीक है हर तरफ ठीक है तू ही तू नजर आए जहां देखू तू ही तू बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा तो ये सुमन प्रीत ने अच्छा ड्रीम में भी पॉलिटी बिल्कुल सही है ठीक है हर तरफ तू ही तू नजर आई जैसे जो रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं उनको हर तरफ तू ही तू नजर आता है Hmm. Hmm. <laughs> हाँ जी थ्री ट्वेंटी फोर ऑफ द हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन तो क्या प्रोविजन है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर में कहते इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन होगा जिसको एंड सच ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ है प्रेजिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स कहते कि बाकी की गिनती फिक्स नहीं है तो वो प्रेजिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स कर सकता है ठीक है तो इंडिया के सीई आज टाइम कौन है बताओ मुझे CEC कौन है हु इज द CEC ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दीक्षा दीक्षा सुनील अरोड़ा और ये रतीश सिंह और अमित और विकास सभी के सही आंसर आ रहे हैं और सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से दस दस लड्डू मोती चूर के ठीक है सुनील अरोड़ा ठीक है याद रह जाएगा किसका लिंक बनाऊं बोलो ये याद रह जाएगा किसका लिंक बनाऊं ओके चलो ये है सुनील अरोड़ा ठीक है अरोड़ा में आ कर दें तो रह जाता है अरोड़ा ठीक है तो जब पंजाब में इलेक्शन होता है हमारे लड़ाई होती है इलेक्शन के टाइम वहां ईटा रोडे चलते हैं मतलब ईटा ब्रिक ब्रिक और उसका हाफ पार्ट को रोड़ा कहते हैं हम पंजाबी में ठीक है तो हमारे इलेक्शन में बहुत जगह ईटें चलती हैं और रोड़े चलते हैं ठीक है मुझे और गेरिया को तो पता नहीं है पंजाब के मालवा में जब भी इलेक्शन होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ठीक है बहुत फाइटिंग होती है अकाली दल और कांग्रेस की और बंदूकें कम चलती हैं इलेक्शन में ईटा रोडे ज्यादा चलते हैं तो जो हमारे सीसीएम सी वो क्या है सुनील अरोड़ा रोड़े मार मार गाड़िया के शीशे तोड़े जाते हैं हाँ जी तो हमारे सीई सी कौन है सुनील अरोड़ा जी आई एम वेरी सॉरी वो तो इतना रोडे नहीं चलाते लेकिन थोड़ा याद करना ठीक रहेगा चलो ये तो लिंक है आप उसको विजुलाइजेशन मेथड अप्लाई करें जो मैंने आपको पहले दिन किया था क्या करेंगे आप विजुलाइजेशन आप YouTube पे जाके सुनील अरोड़ा की एक क्लिप देखें क्लिप देखने से आपको कई और चीजें भी आपका ज्ञान ज्यादा हो जाएगा आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे दिस इज कॉल्ड विजुलाइजेशन मेथड आप उनको आंखों से देखो उनकी फोटो देखो गूगल पे जाके इमेजेस बना के सर्च करो और उसकी फोटो देखो ठीक है जैसे आप शादी की एल्बम देखते हैं तो आपके सारे करेक्टर याद हो जाते हैं कि नहीं याद हो जाते ये मेरे मोसढ़ जी हैं ये मेरे जीजू हैं ये मेरे ये मेरी बहन है ये मेरी मामे की लड़की है ये मेरी बुआ की है ये मेरे फूफा हैं ठीक है तो ऐसे सब याद हो जाते हैं तो आप भी जितनी भी पर्सनैलिटी आप उसकी इमेजेस देखें यूट्यूब पे जाके आप, आप उनकी लिप सुने तो वो गहराई से आपके दिल में दिल और दिमाग में बैठ जाएंगे आप जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाओगे ठीक है चलो बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर कितने हैं ठीक है तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर कितने हैं दो दो, कोई तीन वाला है कोई है तीन वाला दो तो गलत जवाब है सभी का शशांक है कोई इनका आंसर है तीन हाँ जी सर आप क्या खा रहे हैं ये तो मेरे फंडामेंटल राइट ट्वेंटी वन का वायलेशन है ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में रिट बनती है आर्टिकल थर्टी टू कंपनेशन भी मैं दस लाख डालूंगा दस लाख <स्थाँगा> फिर क्या हुआ स्टूडेंट है रेट तो बनती है भाई हाँ जी चलो सोफिया को कुछ नहीं कहेंगे ठीक है सोफिया पे कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं हुई <coughs> क्यों क्योंकि नाम ही ऐसा है सोफिया ठीक है मैं तो डर गया हाँ जी अभी आपका गलत है ये गलत है सभी का आंसर गलत है सबके लड्डू वापस होते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 ट्वेंटी फोर सिर्फ सीईसी की बात करता है सीईसी की बात करता है कहते हैं कि अदर जो कमिश्नर है जो इलेक्शन कमिश्नर हो गए हाँ जी जो अदर इलेक्शन <coughs> कमिश्नर हो गए अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गए वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा अभी तो मैं आपको करा के टाउ आप क्या बात कर रहे हो आप यही तो गलती एग्जाम में करते हैं आप यही तो गलती एग्जाम में करते हैं आवाज आ रही है एम आई ऑडिबल यही तो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं फिर कहते हैं जी जब फेल हो जाए पेपर बहुत अच्छा हुआ पता नहीं क्या दिक्कत है कोई मेरी किस्मत ही ऐसी है ठीक है शायद कोई सिफारिश चल गई ठीक है अरे भाई कंसेप्ट क्लियर करो कंसेप्ट से आपकी किस्मत बनेगी ये गेस मारने से किस्मत नहीं बनती हाँ जी बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट दे देते हैं ठीक है तो बोलो कंसीशन एक की बात करता है एक की गॉड कितने हैं बोलो गॉड कितने हैं एक एक के कंसेप्ट पे चलना है ठीक है वाइफ कितनी होनी चाहिए एक हस्बैंड कितने होने चाहिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने होने चाहिए एक एक ही है ठीक है कमिश्नर की बात नहीं करता <coughs> कमिश्नर कितने होंगे प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा लेकिन प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है उन्होंने दो दो डिसाइड किया है एक प्लस दो दो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर बनाए हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट की इच्छा है ये कोई फिक्स नहीं है दो वाला कंसेप्ट लेकिन आज की डेट में टू है मतलब दो और हैं, टोटल तीन है मतलब हाँ जी ये चीज समझाई जानी है। आई यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आए आप गहराई से समझने की कोशिश करो मैं दोबारा फिर पीट करता हूं किसी के दिमाग में डाउट ना रह जाए कंसीशन कहता है कि एक होगा जो मुखी होगा लेकिन जो उसके हेल्पर है उसको प्रेसिडेंट की इच्छा पे छोड़ा गया प्रेसिडेंट की मर्जी है वो दो को लगाए प्रेसिडेंट की मर्जी है वो पांच को लगाए प्रेसिडेंट की मर्जी है वो दस को लगाए ये चीज कही है मैंने आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर किसी को कोई डाउट जी तो दूसरी बात इन्होंने कि कौन लगाएगा इसे प्रेसिडेंट लगाएगा ठीक है तीसरी बात वेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन कहते जब अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा दो को अदर को ठीक है हाँ जी तो दो को अदर को अपॉइंट किया जाएगा तो जो इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो चेयरमैन कहलाएगा इस कमीशन का क्यों चेयरमैन कहलाएगा क्योंकि जो टू की अपॉइंटमेंट है उनसे पूछ के की जाती है थोड़ी कंसल्टेशन होती है उसके साथ हां जी दिस पॉइंट इज क्लियर आगे आ ही गया चलो फोर्थ पॉइंट प्रेजिडेंट पॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन सच एज रीजनल कमीशन एज दे कंसिडर टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशनर तो हाँ जी तो प्रेजिडेंट और सलाह करके कमीशन के साथ सच रीजनल कमिश्नर के साथ ठीक है एज ही मे कंसिडर टू असिस्ट द इलेक्शन कमिश्नर कहते इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए वो क्या करता है रीजनल कमिश्नर नियुक्त करता है रीजनल कमिश्नर ये तीसरी पोस्ट आ गई एक रीजनल कमिश्नर ठीक है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए क्षेत्रीय हिंदी में कहते थे खेत्रीय रीजनल कमिश्नर नियुक्त करेगा ठीक है देखो तीन बंदे तो सारे देश का इलेक्शन ही कंडक्ट करा सकते आप तो पता है इलेक्शन हो या टू थाउजेंड 2019 में तीन बंदे तो सारे देश का इलेक्शन नहीं करा सकते तीन क्या करेंगे जी तो राष्ट्रपति इनकी हेल्प हेल्प के लिए रीजनल कमिश्नर नियुक्त करता है जो स्टेटों में लगाए जाते हैं रीजनल कमीशन को स्टेट्स में लगाया जाता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हां जी गुड इवनिंग मनप्रीत आप बहुत लेट है हां जी यू आर सो लेट जी लेट नहीं होना किसी ने हाँ जी हां जी कहते कंडीशन ऑफ सर्विस एंड ऑफ ऑफिस द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल कमिश्नर शेल बी डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट तो कौन डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा सर्विस कितनी होगी जी टू कितनी होनी चाहिए ठीक है तो ये कौन डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा ठीक है कहते जब से ये बनाए इलेक्शन कमीशन कब बना था 1950 में एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं उस दिन वोटर डे मनाया जाता है नेशनल वोटर डे होता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई उस दिन वोटर डे मनाया जाता है नेशनल वोटर डे मतदाता दिवस मनाया जाता है क्या आप एग्जैक्ट डेट बता सकते हो 25 जनवरी बिल्कुल सही आंसर है ये ग्रेट सिक्सर बाय दीक्षा दीक्षा मुस्कान का आंसर बिल्कुल सही है और आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू ग्रेट सिक्सर बाय दीक्षा <coughs> 1989 इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज ए सिंगल मेंबर बॉडी कहते हैं 1989 तक 1989 तक सिर्फ एक ही रहा एक ही वो कौन था C.E.C. -E Chief Election Commissioner हाँ जी बता सकते हैं इंडिया के पहले C.E.C. -E कौन थे ठीक है बोलो इंडिया के पहले C.E.C. -E कौन थे Who was the first C.E.C. -E ये दीक्षा का बिल्कुल सही आंसर है और एक और सिक्सर

और इस साल जो एज है वोटिंग एज है वो ट्वेंटी ट्वेंटी वन से एटीन कर दी गई जो वोटिंग एज थी पहले ट्वेंटी वन ईयर थी ठीक है और एटीन ईयर कर दी फिर एटीन ईयर कर दी ठीक है इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ काम तो बढ़ गया लेकिन इलेक्शन कमीशन का एज कम कर दी वोटिंग की इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बेटर हुआ क्योंकि जो बच्चे अभी अभी जो टीन एजर पार करके जो टीन एज है ठीक है वो टीन एज से निकलेंगे उनको भी राइट है अपने का, में लेने का, उनको भी हुआ, उनमें मेचोरिटी आएगी जब वोट डालने जाएंगे ठीक है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है उनको सास होगा कि हमारी कितनी वैल्यू है ठीक है अब तक तो वो डांट ही खाते रहते हैं कभी टीचर से कभी मम्मी से कभी डैडी से कि आप फोन मत चलाओ आप गेम मत खेलो आप फेकबुक मत चलाओ आप कोई सप सुप मत नगालो सॉरी सप नहीं वो क्या होता है व्हाट्सएप होता है ओके व्हाट्सएप होता है अभी तक डांट ही पड़ती है उनको पहली बार उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि देखो हम हम चुन सकते हैं हमारे लीडर को चुन सकते हैं हम पीएम बनाएंगे मोदी को बनाने वाले हम हैं उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ठीक है देखो मोदी जी को हमने चुना ठीक है उनमें मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो आप, आप अमेंडमेंट हाँ जी अमेंडमेंट कौन सी थी ये इक्कीस से अठारह वाली अमेंडमेंट कितनी थी ये कितने नंबर अमेंडमेंट थी ये कोई बता सकता है नो गलत जवाब है ये गलत जवाब नहीं जी गलत जवाब ये दीक्षा का बिल्कुल सही आंसर है अमित सिंह और दीक्षा और चंदनी एंड गिलप्रीत बिल्कुल सही आंसर है और अनीता सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट मुस्कान मट्टू सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू आज तक की सबसे बड़ी खबर सही आंसर है सिक्सटी वन चलो इसका लिंक बताऊं आप कैसे याद रखेंगे लिंक थोड़ा जबरदस्ती बनाया गया है ठीक है देखो जो सोलह साल वाले बच्चे थे सोलह साल वाले ठीक है उनको दो साल पहले पता चला कि हमारी लाइफ में कुछ थोड़ा बदलाव आने वाला है टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि हम राष्ट्रपति को चुनेंगे हम मोदी को चुनेंगे ठीक है वोट डालेंगे राष्ट्रपति को तो नहीं सॉरी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं एम एल बनाएंगे ठीक है तो उनकी जो टीन एजर थी सिक्सटीन टीन एज थी जो सिक्सटीन ठीक है उसका बिल्कुल उल्टा चला गया तो क्या हो गया सिक्सटी वन उनकी लाइफ के, का टर्निंग पॉइंट आ था ये ठीक है सिक्सटीन का उल्टा सिक्सटी फर्स्ट तो अब याद रह जाएगा 1990 में कहते के, आ, दो जो पोस्ट क्रिएट की गई थी उसको खत्म कर दिया गया लेकिन दोबारा 1993 में दोबारा फिर मोर टू इलेक्शन कमीशन नियुक्त किए गए आज की डेट में ये फंक्शनिंग मल्टी मेंबर बॉडी है और जो थ्री इलेक्शन कमिश्नर है ये उनका हेड होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी एक लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी एक लिखा है आ, तो कहते हैं कि उनकी इक्वल पार होती है इक्वल सैलरी होती है ठीक है चीफ इलेक्शन कमीशन टू अदर की सबकी लॉन्स और जो भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनकी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर उनको बत्ते सैलरी वगैरह दी जाती है ठीक है कहते कई बार उनके डिफरेंस पैदा हो जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय मेजोरिटी तो तीन की मेजोरिटी क्या बनती है तीन की मेजोरिटी कितनी बनती है बोलो अरे भाई तीन की मेजोरिटी नहीं पता दो बनती है दो तो दो एक तरफ हो जाए ठीक है तो वो मैटर ठीक समझा जाएगा वो फैसला लिया जाएगा कहते हैं इनकी टर्म सिक्स ईयर होती है और जहां सिक्सटी फाइव होती है दोनों में से एक जो पहले हो जाए ठीक है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है पहले भी हटाया जा सकता है ठीक है तो ये सिक्स वाला क्या कंसेप्ट है ठीक है मेरी एज कितनी है पता है किसी को मेरी एज कितनी है 1882, बिल्कुल सही थर्टी नाइन नाइनटीन एटी टू का बर्थ है मेरा तो मैं आई थिंक थर्टी एट थर्टी एट ओके मैं अब जी ठीक है थर्टी एट में अब चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन बन जाता हूं तो मैं छह साल नौकरी करूंगा ठीक है मैं कब रिटायर होऊंगा फोर्टी फोर का हाँ जी तो मैं कब रिटायर हूंगा बोलो फोर्टी फोर ठीक है तो हां जी जे मैं मान लो मैं सिक्सटी थ्री में जाकर इलेक्शन कमीशन बनता हूं तो फिर मैं कितने साल नौकरी करूंगा टू इयर्स सिक्सटी फाइव तक तो ये कंसेप्ट है ठीक है हां जी हाँ जी ये आप समझ आ गई जान तो उसकी उम्र सिक्सटी फाइव हो जाए जहां वो उसके छे साल हो जाए तो वो बंदा नौकरी नहीं करेगा कोई छह साल से ज्यादा नहीं करेगा और सिक्सटी फाइव से ज्यादा नहीं करेगा ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था ठीक है हाँ जी ये चीज है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन मेड द फॉलोइंग प्रोविजन सेफ गार्ड एंड एनश्योर डिपेंडेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन कहते ये आर्टिकल तीन सौ चौबीस ये बताता है कि देखो कैसे ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा कैसे होगी चीज कहते जो सीई सी है उनको टन दी गई है ठीक है टनोर दी गई है कहते उसको हटाया नहीं जाएगा लेकिन हटाया जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाएगा आपको प्रोसीजर मैंने कराया था आपको प्रोसीजर को हटाने का कि हम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के को कैसे हटाएंगे बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है मैंने आपको कराया था शायद आप भूल गए होंगे याद है सबके बोलो याद है ठीक है तो एक हाउस दोष लाएगा और दूसरा हाउस उसकी जांच करेगा ठीक है फिर एक जुडिशियल मेंबर, तीन मेंबर कमेटी बैठेगी ठीक है वो जांच करेगी ठीक है तो फिर गिल्टी होगा तो सुप्रीम कोर्ट किसे जज आएगा एक ठीक है कमेटी बैठेगी वो दोषी करार देगी ठीक है तो उनके गिल्टी होने के बाद फिर प्रेजिडेंट साइन करेगा और फिर उसे हटाया जाएगा बहुत टिपिकल प्रोसीजर है पहले शिकायत करनी है स्पीकर की मर्जी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे मतलब चार पांच पॉइंट उसमें बहुत डिफिकल्ट है ठीक है इतने मेंबर कम से कम उसे सपोर्ट करें ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं तो ये सेम प्रोसीजर है इसको भी हटाने का हाँ जी दूसरा पॉइंट है जब इसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया तब के बाद इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा इसकी टन को लेकर सैलरी को लेकर हाँ जी कहते और इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर जो अपॉइंट की जाएगी उसे हटाया नहीं जा सकता जब तक के सीईसी नहीं कहता ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट आप समझो जो टू अदर्स हैं और जो रीजनल कमिश्नर हैं उनको जो हटाना है तो ये अरोड़ा जी कहेंगे कि इनको हटाएं फिर हटाया जाएगा अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा सुनील अरोड़ा जी कहेंगे कि इनको हटाओ फिर हटाया जाएगा अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा ये पॉइंट है थर्ड इनकी सिफारिश पे इनकी रिकमेंडेशन पे ही हटाया जा सकता है सो इज दिस पॉइंट क्लियर हाँ जी कहते कुछ ड्रॉबैक्स हैं कुछ कुछ फ्लॉज हैं इलेक्शन कमीशन में वो क्या है एक इनकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, भी उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ठीक है लेकिन जो सीनियर मोस्ट आईएस है उनको लगाते हैं ये मतलब एक ट्रेंड जा रहा है मतलब संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता कि आई एस को लगाओ वो तो साइलेंट मूड पे इस बात इस चीज में तो ठीक है लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई ये ड्रॉबैक है टर्म कितनी है मेंबर्स की? ये भी नहीं बताई गई। ठीक ठीक है। है। स्पेसिफाइड टर्म टर्म कितनी टर्म वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? एक बार दो बार जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति दो टर्म्स ही रह सकता है आपको पता होगा सिर्फ वहां टर्म भी चार साल की है हाँ जी पता होगा जो बिडन अभी बने हैं के बन गए के अभी बनने हैं चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप न्यूज देखते हैं बन गए हैं या बनने है अभी अभी नहीं बने बिल्कुल सही अभी नहीं बने इलेक्शन चल रहा है अंडर प्रोसेस है सही है सही है आपका ज्ञान अच्छा है

मेरी ज्यादा नॉलेज नहीं है मैं तो स्टूडेंट हूँ हाँ जी इलेक्शन ने डबार नहीं किया है जो बंदा रिटायर हो जाता है जैसे रोडा जी रिटायर हो गई, तो बाद में भी ये कोई जॉब कर सकते हैं तो ऐसा खतरनाक है क्यों बोलो क्यों क्यों खतरनाक है एक रिटायर बंदा दोबारा जॉब नहीं कर सकता ठीक है वो तो उनकी हेल्थ पे डिपेंड करता है ठीक है और सिक्सटी फाइव से ज्यादा होकर कोई जॉब करना कोई इजी काम है क्या ठीक है ये बिल्कुल सही बात है श्रुति ने सही कहा इन्फ्लुएंस ठीक है स्पोर्ट डोमिनेंस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन होगा तो तब उसे पार्टी कोई अप्रोच कर सकती है कि देखो हमारी फेवर करो आपके रिटायर होने के बाद भी आपका पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा जॉब का आप चिंता मत करो ठीक है जी आपको कहीं नौकरी दे दी जाएगी तो ये तीन ड्रॉबैक है इलेक्शन कमिश्नर के ठीक है और पार्स एंड फंक्शंस क्या हैं एडमिनिस्ट्रेटर पार्स हैं एडवाइजरी पार्स हैं क्वेश्चन जुडिशरी पार्स हैं हम सारी ये पार्स चेक करेंगे फिफ्टीन पार्स हैं ठीक है पहला काम क्या है ये इलेक्ट्रल कंस्टिट्युंसीज बनाता है विधानसभा खेतर जिसे कहते हैं विधान खेतर ठीक है और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत ठीक है ये चुनाव खेतर को तैयार करता है जिसे मतलब इलेक्ट्रल कॉन्स्टिटी कहते हैं इंग्लिश में दूसरा काम इलेक्ट्रल रोल्स बनाता है जो एलिजिबल वोटर है किसी की उम्र अठारह साल की होगी तो उसको एज ए वोटर शामिल कर लिया कोई मर गया तो उसकी वोट काट दी गई ठीक है हाँ जी तो कोई मान लो शिफ्ट माइग्रेट कर गया तो उसकी वोट काट दी ये अपडेट करना इसका काम है इलेक्ट्रो रोल्स को वोटर सूची को ये डेट्स एंड शेड्यूल्स इलेक्शन कमीशन की डिक्लेयर करता है और जो भी नॉमिनेशन पेपर होते हैं उसको चेक करता है हाँ जी तो जब ये डेट अनाउंस करता है रेडियो पे टीवी पे मीडिया के सामने तो एक इमीडिएट इफेक्ट होता है वो क्या होता है आप बता सकते हैं कोई है आप में कोई शक्तिमान जो आज शहीदी दे सके जब भी इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करता है इलेक्शन की तो इमीडिएट कुछ चीज होती है वो क्या होती है मैंने आपको शायद क्लास में पहले बता चुका हूं आपको ये बिल्कुल सही जवाब है अमित का ग्रेट सिक्सर अमित जी बॉली की है अचार संहिता अचार संहिता बिल्कुल सीख है इसे इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो ही ये स्पीच देंगे सुनील अरोड़ा जी के फलानी इस स्टेट में इलेक्शन होने जा रहा है बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है तो तब से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में जो इलेक्शन प्रोसीजर है ठीक है कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि पार्टी ऐसा नहीं करेगी ऐसा नहीं करेगी ऐसा नहीं करेगी उस पर कार्रवाई होती है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आपके मेन के सिलेबस में है मैं वो आपको कराऊंगा बहुत इजी है आपके कं आपके सिलेबस में मेंशन में किया है कि मेन फीचर ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 एंड 51 तो वो मैं आपको एक महीने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो तब मैं आपको बेर एक्ट लाने को कहूंगा तब मैं उसे आपको कराऊंगा ठीक है तो अमित आपका ग्रेट सिक्सर आपको बहुत-बहुत सोफिया की तरफ तरफ से से और मेरी तरफ से दस मोती चूर के लड्डू कोड ऑफ कंडक्ट इंग्लिश में कहते हैं से पंजाबी में कहते हैं चार सेता जब से कमीशन बोलना स्टार्ट करता है तब से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है कोई नई पोस्ट नहीं निकलेगी किसी को किस तरफ सरकार की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिलेगी मतलब जैसे कोई राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो सब स्टैंड हो जाते हैं मतलब ऐसे में सब साइलेंट मूड पे चले जाएगी सरकार कोई नया काम नहीं करेगी कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कोई लोगों को कोई लारा नहीं कुछ नहीं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चिंता मत करो आप हाँ जी तो ये टू ग्रांट रिक्नाइजेशन टू पोलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू देम ठीक है तो कहते हैं कि ये पार्टी को रिक्नाइजेशन करती है जिस पार्टी को देखो रिकनाइजेशन गई मानता गई उसका तो सिंबल उसका तो सिंबल परमानेंट होता है जैसे कांग्रेस का पंजा है और बीएसपी का हाथी है ठीक है और बीजेपी का कमल का फूल है ठीक है और ये आ, मार्क्स ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका दाती बल्ली है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म इसका हथौड़ा और कणकी की बल्ली है ठीक है तो ये तृणमूल कांग्रेस का क्लॉक आई थिंक ठीक है नहीं तृणमौल कांग्रेस का क्या है वो पत्तियां हैं पत्तियां है, पत्तियां है, है, तृणमूल कांग्रेस का ठीक है और ठीक है तो इनपे एक जोक भी बनाए ठीक है निशान पे ठीक है कहते एक लड़का एक लड़की को कमल का फूल देता है वो उसके तमाचा मारती है ठीक है वो कहते के, के मैं तो वोट के लिए मांग कर रहा था आपने मेरे इतना बड़ा थप्पड़ जड़ दिया कहना मैं तो अपना सिबल दिखा रहा था कि हमारी पार्टी का सिबल है ये कमल का फूल कहते आपने क्यों मारा ठीक है वो कहते हैं हमारा भी हम कांग्रेस ही है तो हमारा हाथ है तो हम भी ये आपको दिखाना चाहते हैं ये हमारा पंजा है इसको सपोर्ट कीजिए आप ठीक है <laughs> तो जो आजाद कैंडिडेट होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते इलेक्शन कमीशन उनको अपनी मर्जी से देता है मतलब वो अपनी मर्जी से चूज नहीं करते उनको अपनी मर्जी से चिन्ह देता है जैसे किसी को कोई स्लेट दे दी ठीक है किसी को कोई बैट किसी को बॉल ठीक है किसी को नलका हैंड पंप, ठीक है किसी को टूटी ठीक है तो ऐसे चौनशान दिए जाते हैं पंजाब के एक राइटर हैं और पंजाब कला परिषद के चेयरपर्सन भी हैं जो बच्चे पंजाब से हैं, उनको ये याद करना पड़ेगा पंजाब कला परिषद के चेयरमैन सरजीत पात्र जानते हैं आप सरजीत पात्र को बहुत फेमस राइटर हैं सरजीत पात्र ठीक है उन्होंने कुछ लेने लिखी है कहते किसी का हाथी किसी का तीर कमान ठीक है हमारी आंख से निकला हमारा हंजू चो निशान के जो गरीब के आंसू होते हैं ठीक है वही उनका चो निशान होते हैं ना ही उनको कमल के फूल से मतलब है कोई ना ही उनको पंजे से मतलब है ना ही उसे झाड़ू से मतलब है ठीक है उनकी जो आँख से हंजू है वो नहीं रुक पाए और रुक नहीं रहे ठीक है तो उनका क्यों निशान वही है तो ये सरजीत पात्र की लेने हैं जो सेंसिटाइज करती है गरीब लोगों को हाँ जी फिफ्थ पॉइंट क्या है ये कोर्ट का काम भी करता है डिस्प्यूट पॉलिटिकल पार्टी की रिक्गनाइजेशन को लेकर हो यूपी में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था एक दो साल पहले जो अखिलेश यादव और उनके फादर क्या नाम है अखिलेश के डैडी का नाम क्या है हाँ जी यूपी वाले बच्चे होंगे अखिलेश के डैडी कौन है मुलायम सिंह यादव इनके बीच लड़ाई हुई थी बहुत ज्यादा सिब्बल को लेकर दोनों बाप बेटा की फाइट हो गई थी ठीक है तो समाजवादी पार्टी है इनकी ठीक है तो ये इलेक्शन कमीशन के पास गए थे सिब्बल को लेकर ठीक है तो ये फिफ्थ पॉइंट है जो यूपी वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि इनकी बहुत लड़ाई हुई थी जे नहीं पता तो पूछ लेना किसी से तो ये फिफ्थ पॉइंट है ये कोर्ट का काम भी करता है ठीक है हाँ जी इलेक्ट्रोल अरेंजमेंट ये फीसर पॉइंट करता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोल अरेंजमेंट से लेकर कोई जो इलेक्ट्रोल जो सूचियाँ की अरेंजमेंट है कोई ठीक है उनकी इलेक्शन की अरेंजमेंट लेकर भी और ये कोड ऑफ कंडक्ट लॉ जी सेवन्थ पॉइंट आ गया जी कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करता है कि पार्टी के कैंडिडेट टाइम टाइम से ये से फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे चार सहिता को पालना कराता है ये और ये हाँ जी तो ये पब्लिसिटी लोगों की जो पॉलिसीज है पार्टीज की रेडियो टीवी में ये प्रोग्राम दिखलावाता है ये बताता है कि कितना समा लिस्ट तैयार करता है प्लान करता है रोस्टर वर्ड लिखा है यहां पे प्लान करता है कितना समय किस पार्टी को बकवास करने के लिए नहीं, नहीं सॉरी बकवास करने के लिए नहीं प्रचार करने के लिए प्रचार करने के लिए कितना टाइम मतलब किसी पार्टी को दिया जाएगा तो ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है ये इसकी एट शक्ति है आठवीं शक्ति है ये नाइन्थ क्या है ये प्रेसिडेंट को आ, सलाह देता है मैटर रिलेटिंग टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ठीक है तो ये सलाह देता है ठीक है किसी एमपी को हटाना हो ठीक है तो ये गवर्नर को सलाह देता है जब किसी स्टेट के एमएलए को आ, हटाना हो डिस्कालीफाई करना हो ठीक है और ये पूल्स कैंसल भी कर देता है जब रिगिंग हो जाए रिगिंग समझते हो सारी मशीनें लेके कोई भाग जाए तो उसे रिगिंग कहते हैं ठीक है हाँ जी रिगिंग क्लियर है ये छोटा कु, आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि रिगिंग क्या होती है ठीक है सारा सामान लेके भाग जाए ऐसा भी होता है लोग सामान लेके भाग जाते हैं ठीक है और तीन जगह थोड़ा ड्रामे बहुत होते हैं एक यूपी हो गया एक बिहार हो गया एक पंजाब हो गया ठीक है जहां इलेक्शन के टाइम बहुत कुछ होता है ठीक है तीन जगह यूपी बिहार और पंजाब जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है ठीक है और बूथ कैप्चरिंग बूथ कैप्चरिंग क्या होती है जहां वोट वोट पाई जाती है बूथ होता है उस पर कब्जा कर लिया जाता है जितनी भी वोटें होती हैं वो एक बंदा ही खड़के पा देता है वो बूथ कैप्चरिंग होती है ठीक है वायलेंस हो जाए अदर और कोई बात हो जाए तो ये इलेक्शन दोबारा करवाता है वहां पे ठीक है प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिक्वेस्ट भी करता है कि हमें स्टाफ मुहैया कराया जाए और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं आपको इसका अपना कोई स्टाफ नहीं होता ठीक है इलेक्शन कमीशन का वोट को कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन को करने के लिए अपना कोई स्टाफ नहीं होता तो ये ये सिक्योरिटी तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ठीक है उनकी हेल्प से लेते हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ ठीक है तो उनकी हेल्प ली जाती है बाकी स्टाफ जो है ठीक है स्कूल टीचर्स हो गए ये सब अद, अपना नहीं होता इनका बस ये मान के चलो ठीक है कि इनका अपना कोई नहीं होता हाँ जी और काम क्या करता है सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन थ्रू द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये सुपरवाइज करता है कि जो फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए ठीक है और फोर्टीन क्या है एडवाइज द प्रेजिडेंट वेन द इलेक्शन कैन बी हेड इन स्टेट प्रेजिडेंट रूल ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एमरजेंसी आफ्टर वन ईयर हाँ जी तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और कोई पॉइंट याद रहे ना रहे फोर्टीन पॉइंट याद आपको करना पड़ेगा इमरजेंसी में भी मैंने पढ़ा है मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है इमरजेंसी लगा दी उसे एक साल हो गया तो वहां पे इमरजेंसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं ठीक है, है? और, और समा लगाना चाहते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन कह दे के यहाँ इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है इलेक्शन नहीं हो सकता ठीक है तो तो इलेक्शन कमीशन के कहने पे एमरजेंसी एक्सटेंड हो जाती है हां जी क्लियर है रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट द स्टेट्स ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ पूल परफॉर्मेंस तो पार्टी की पूल परफॉर्मेंस क्या कहती है उस पर पार्टी को रजिस्टर किया जाता है ये नेशनल पार्टी है ठीक है जैसे कांग्रेस हो गया बीजेपी हो गया ये नेशनल पार्टी है कुछ स्टेट पार्टी होती है ठीक है नेशनल स्टेट पार्टी ठीक है तो ये डिक्लेयर uh, करता है ठीक है हाँ जी तो ये तीन तरह की पार्टी डिक्लेयर करता है ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि कौन कौन सी पार्टी डिक्लेयर करता है ठीक है एक स्टेट पार्टी होता है एक नेशनल पार्टी होता है ठीक है और एक एक पार्टी और होता है ठीक है वो आपने कल मुझे बताना है आज नहीं कल बताना है तीन तरह की पार्टी होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है तो ये आपने मुझे एसएमएस करना है कल आज नहीं आज नहीं कोई एसएमएस करेगा आज नहीं करेगा ठीक है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो कहते इलेक्शन कमीशन की सेस्ट के लिए डिप्टी कमिश्नर भी लगाए जाते हैं ठीक है और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी ये ऑफिसर होते हैं पार्टीज तीन तरह की होती हैं कौन कौन सी पार्टी होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज तीन तरह की होती है जो इलेक्शन कमीशन करता है हाँ जी स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होता है वो चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर होता है वो इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्ट्रल कमीशन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर कहते हैं जो स्टेट का मालिक होता है उसे कहते हैं सीईओ चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर पंजाब के कौन है सीईओ बता सकता है कोई पंजाब के चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर कौन है पंजाब के इंचार्ज कौन है पंचायत के इलेक्शन यही कराता है बंदा लोकल बॉडीज के इलेक्शन पंजाब का इलेक्ट्रल ऑफिसर गवर्नर लाता है उसे ठीक है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है हाँ जी चीफ इलेक्शन कमीशन की कंसल्ट से लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट चलो मैं ही बता देता हूँ उसका नाम के राजू है आई ऑफिसर है पंजाब के ये चीफ ऑफिसर है और इसके लेवल जो डीसी होते है जिले के ये आर का, का काम करते हैं मैंने पहले भी एक दिन बताया था आपका आर ओ आर ओ है रिटर्निंग ऑफिसर है ठीक है और प्रोजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो पोलिंग बूथ में जो वोट को प्रोडक्ट करते हैं उसे प्रेजेंटिंग फीचर कहते हैं विजन क्या है इनका विजन बहुत अच्छा है ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेट हो और डेमोक्रेसी को मजबूत मुझ, बनाया जाए मिशन क्या है इसका इंडिपेंडेंस है इंटीग्रिटी है ऑटोनमी है ठीक है फ्री फ्री इलेक्शन कराने हैं तो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल हैं ठीक है इक्वालिटी इक्विटी इंपार्शियलिटी इंडिपेंडेंट बनाए रखना है फ्री फेयर क्रेडिबिलिटी बनाई रखनी है कि सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करें वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है ठीक है सारी जितने भी उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ठीक है लोगों में अवेयरनेस फैलानी है वोटिंग के रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंसी सर्विस देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है टेक्नोलॉजी अडोप्ट करनी है ठीक है एनोवेशन प्रैक्टिस अडोप्ट करनी है जितनी भी डेमोक्रेसीज वैल्यूज है उनको लागू करना है पूरे देश में ठीक है तो ये चीज है तो ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया कुछ ये इलेक्शन कमीशन जो कलाकार है उनकी भी सपोर्ट लेते हैं ये तो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन के जो स्टार हैं जो इनकी हेल्प करते हैं इनको प्रमोट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को प्रमोट करने के लिए वो कौन है उसे ब्रांड अम्बेस्डर कहते हैं ब्रांड मेस्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन कौन है ब्रांड अम्बेस्डर बोलो सोनू सूद आर जी शोर सोनू सूद है सिंगर है ये सोनू सूद एक स्पोर्ट्स पर्सन है मैरी कॉम ओके मैरी कॉम ठीक है मैरी कॉम और अभिनव बिंद्रा <laughs> सॉरी, ये भी ब्रांड अम्बेस्डर है हां जी पंजाब का ब्रांड एम्बेस्डर कौन है गुरदास मान है जानते हैं आप गुरदास मान को? हाँ जी, तो ये इलेक्शन कमीशन की हेल्प करते हैं गुरदास मान बहुत नामवर सिंगर है ठीक है सूफिया ना गाते हैं ज्यादा ठीक है वो पंजाब के ब्रांड अम्बेस्डर हैं, इलेक्शन कमीशन के ठीक है तो ऐसे ही आपने ये ब्रांड अम्बेस्डर भी मुझे बताने कौन एक नोटा है नोटा क्या है नन ऑफ दब ठीक है आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते तो एवीएम में एक बटन होगा नोटा ठीक है हाँ जी प्रचार करते हैं जी लोगों को कहते हैं कि हमें वोट डालो वोट डालनी चाहिए किसी ना किसी को वोट डालो आप जरूर वोट डालने जाए कोई वोट के बिना रहना जाए ठीक है वोट सब सोच समझ कर अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में वोट की ठीक है तो देखो सिंगर आपको कहे तो बहुत अच्छा होता है और मैं आपको कहूं कि आप वोट डालने जरूर जाएं तो हो सकता है मेरी बात आप ना माने लेकिन आपको ये सूद कह दें क्या सूद है ये क्या नाम है इनका सोनू सूद सोनू सूद कह तो आप शायद जरूर जाएंगे ठीक है आपको जो मर गए वो राजपूत कौन से राजपूत थे जो मर गए वो जिन्हें सुइसाइड कर लिया था पता नहीं उनका मर्डर हो गया क्या नाम था उनका शशांत राजपूत हाँ शशांत राजपूत जिंदा होते वो आपको फोन करके कहते कि आप वोट पाने जरूर जाओ तो आपके आप पर असर ज्यादा होगा कि नहीं होगा ठीक है किसी को एक्टर कहे अमिताभ बच्चन कहे आपको कि आप वोट पालने वोट डा वोट डालने जाए आप जरूर जाए तो आप पे ज्यादा असर होगा ठीक है आपको सपना चौधरी कह दे कि आप वोट डालने जरूर जाए तो आप पे ज्यादा असर होगा तो ब्रांड एम्बेसडर को लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में प्रचार लाने के लिए ठीक है तो ब्रांड एंबेसडर बनाए जाते हैं ओके अमिताभ बच्चन को कॉलर ट्यून से कोई असर नहीं होता ठीक है देखो ये न्यूज़पेपर आई ठीक है पर्सनली भी विजिट करते हैं ये लोग ठीक है पर्सनली भी विजिट करते हैं ठीक है ओके चलो बहुत है आज का काम इतना ही अब हमारे जो चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे हैं ठीक है पार्लियामेंट चैप्टर में पंद्रह दिन से ज्यादा समय लग गया था ठीक है तो आज ये जो चो छोटे छोटे चैप्टर हैं अब तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा बहुत जल्दी खत्म होगा ठीक है ये सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ये भागेंगे अब बहुत स्पीड से भागेंगे ये हाँ जी ठीक है जी आप थैंक यू सो मच कहते हैं तो ठीक है जी गुड नाइट जी ठीक है जी, कल मिलेंगे